असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, क्योंकि बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अपनी पाठशाला के इस ऑनलाइन मंच पर आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। आकाश यादव, माही यादव, व्लादिमीर पुतिन, प्रतीक द्विवेदी, सबीहा नाच, आप सभी का स्वागत है। विनीत कुमार, प्रतीक द्विवेदी, खुशबा, खुशबू, कीर्ति, चलिए भाई, कुमारी, पुष्पांजलि, आप सभी का स्वागत है। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को राधे राधे, जय श्री राम। चलिए अब एक बार यहां पर समझने का साथी प्रयास करना। हमने इसके पहले पार्ट में, कल की क्लास में, हमने ग्रेविटेशन का, गुरुत्वाकर्षण का साथी जो कॉन्सेप्ट होता है ना, ये हमने आप लोगों को सिखा दिया है। तो आज हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे और क्वेश्चन के माध्यम से जो कुछ बातें छूटी होंगी उसे आप लोगों को हम यहां पर कवर करा देंगे। तो आज की क्लास में हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन तो जरूर हल कराए जाएं और उसके माध्यम से बेहतरीन तरीके से इस चैप्टर को आप लोगों को समझाकर इसको समाप्त किया जाए। चलिए, हाँ, सुनील, प्रदीप, दिव्या, मनीषा, विशेष, ताहिर, सभी को गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ आज के सेशन की कर लेते हैं शुरुआत। तो देखिए, पहला क्वेश्चन लग चुका है आपके स्क्रीन पर। थोड़ा सा तेजी से प्रश्नों को निपटाते हुए आज चलेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों के माध्यम से हम बातों को सीख पाए। ठीक, चलिए, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों से कह क्या रहा है कि जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है शून्य, अपरिवर्तित, परिवर्तनशील, कि सभी गलत हैं। पहले प्रश्न का जवाब दीजिएगा और ध्यान से कॉपी और कलम उठा लीजिएगा ताकि बताई गई महत्वपूर्ण बातों को आप हमारे साथ नोट भी करते चले। बताइए पहले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अबव, इट्स वेट इज जीरो, अनचेंज्ड, वेरिएबल या ऑल और रॉन्ग, सभी गलत हैं, क्या बताएंगे? इस प्रश्न का जवाब तेजी से निपटाते हुए चलिएगा। सरल सा प्रश्न है, इस पर हमने कुछ प्रश्न कल भी कराया था। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाएगी तो उसके भार की बात किया है, किसकी बात किया है, भार की बात किया है, और इस पर अभी हम कुछ क्वेश्चन आप लोगों को हल भी कराएंगे। ठीक, बताइए भार कैसा रहेगा? यहां पर आप लोग क्या बताओगे? भार परिवर्तनशील होगा, शून्य हो जाएगा कि अपरिवर्तित रहेगा? आप ये बताइए भार बराबर क्या होता है? W बराबर m इंटू जी, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं है। यहां पर W का मतलब हो गया वेट यानी कि भार, m का मतलब यहां पर क्या हो गया? मास यानी कि द्रव्यमान, क्या होगा? द्रव्यमान। और यहां पर जी का मतलब क्या हो जाएगा? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन यानी कि गुरुत्वीय त्वरण। ठीक, इसका मतलब समझ लीजिएगा। अभी यही से हम कुछ क्वेश्चन को आगे चलकर हल कराने वाले हैं, ध्यान से आप लोग सुनिएगा। यानी किसी वस्तु का जो भार होता है साथियों, वो उसके द्रव्यमान और उसके गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। देखिए, जब किसी वस्तु को ऊपर से गिराया जाता है ना, तो उसका जो भार होता है वो अपरिवर्तित रहता है, उसका भार ना तो घटेगा ना तो बढ़ेगा। ध्यान से समझना, क्या होगा? अनचेंज्ड होगा यानी कि अपरिवर्तित रहेगा। क्यों ऐसा होगा? आप पूछेंगे सर क्यों ऐसा होगा? क्योंकि उसके द्रव्यमान और उस पर लगने वाले गुरुत्वीय त्वरण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या? उसके द्रव्यमान और उस पर लगने वाले गुरुत्वीय त्वरण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसी वजह से साथियों उसके भार में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्योंकि आप देख पा रहे ना कि भार किस पर निर्भर करता है, भार उस वस्तु के द्रव्यमान और उस पर लगने वाले गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है, और अगर इन मानों में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो उसके भार में भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो पहले प्रश्न का एकदम शानदार सा जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ आप लोगों को जाना होगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न को देखिएगा। और ऐसा प्रश्न हमने कल भी करवाया था, ऐसे दो तीन क्वेश्चन कल हम लोगों ने मिलकर यहां पर हल किया था और इसके पूरे कॉन्सेप्ट को भी हमने अच्छे तरीके से समझा था। बताइएगा क्वेश्चन नंबर टू आप लोगों से क्या पूछ रहा है कि दो गेंदे ए तथा बी क्रमशः 10 किलोग्राम तथा 1 किलोग्राम की है, उन्हें 20 मीटर की, देखिए ऊंचाई समान किया है, उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा?
ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि भूमि भूमि पर ए पहले पहुंचेगी, मतलब ए नाम की जो गेंद होगी वो भूमि पर पहले पहुंचेगी, या बी वाली पहले पहुंचेगी, दोनों एक साथ पहुंचेंगी, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। दूसरे प्रश्न का जवाब दीजिएगा और आराम से मन लगाकर खूब अच्छे तरीके से प्रश्नों को पढ़ते हुए आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक पहुंचाते जाइए। बताइए दूसरे प्रश्न का जवाब क्या देंगे। आज का सेशन ये बहुत खास होने जा रहा है साथियों, क्योंकि हम बहुत सारे क्वेश्चन को यहां पर निपटाते चलेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आज के सेशन में हल कराए जाएं, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को आपको सिखा पाए। बताइए दूसरे प्रश्न का जवाब क्या देंगे। कल इसकी पूरी बात आप लोगों को बताई गई थी, हमें पूरा भरोसा है कि आप इस प्रश्न का उत्तर गलत नहीं करेंगे। बताइए इस प्रश्न का जवाब क्या होगा साथियों। जो लोग यहां पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं ना, उनका उत्तर क्या है, उनका उत्तर गलत हो गया है। इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। हमने कल भी आप लोगों को समझाया था, ध्यान से समझना। हमने कल आप लोगों से कहा था कि जब आपसे ऐसा कहे कि समान ऊंचाई से किन्हीं दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं को गिराया गया तो भी वो दोनों एक साथ ही धरती पर पहुंचेंगी, क्योंकि हवा का प्रतिरोध आप नगण्य मानोगे, यानी कि यहां पर साथी वायु के प्रतिरोध को शून्य मानते हुए, यानी आप कह सकते हैं कि आदर्श परिस्थिति की बात करता है, जहां पर साथी माध्यम किसका होगा, आप कह सकते हैं निर्वात का माध्यम होगा। विशेषकर साथी जो वायुमंडल है यानी कि जो हवा का घर्षण होता है इन पिंडों पर नहीं काम करेगा। जब तक इन प्रश्नों में हवा में ऐसा ना लिखा हो कि हवा में गिराया जाता है, तब तक अगर ऊंचाई समान दिखती है, भले ही पिंडों का द्रव्यमान अलग अलग होगा तो भी ये एक साथ धरती पर पहुंचेंगे। और ये वाला कॉन्सेप्ट हमने कल भी आप लोगों को सिखाया था, जब ऐसा लिख देता, ध्यान से समझना, जब साथी ऐसा लिख देता यहां पर कि हवा में गिराया गया, तो इस प्रश्न का उत्तर फिर बदल जाता। ये बातें हमने कल भी आप लोगों को सिखाई थी, ठीक। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान से सुन लेना, जमीन पर दोनों गेंदें ए और बी एक साथ पहुंचेंगी। इस प्रश्न का एकदम सटीक जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ ही आपको जाना है। अगले क्वेश्चन को लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है। किसी पिंड का भार, बताइए पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, बी कह रहा है कि ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, सी कह रहा है कि विषुवत रेखा पर अधिक होता है, कि डी कह रहा है कि मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर तीसरे का जवाब दीजिएगा, अच्छे से इस प्रश्न को पढ़िए और जवाब हम तक कमेंट बॉक्स के माध्यम से पहुंचा दीजिए। किसी पिंड का भार, अब फिर से वही बात, भार से क्वेश्चन पूछा गया और अभी कुछ देर पहले ही हमने पहले प्रश्न के माध्यम से भार का मतलब आप लोगों को समझाया था, लेकिन यहां पर उसे हम डिटेल में समझा देंगे। पहले आप इस प्रश्न को अटेम्प्ट करने का प्रयास करना। क्या किसी पिंड का भार, ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, बी कह रहा है कि ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, सी कह रहा है कि विषुवत रेखा पर अधिक होता है, जबकि डी कह रहा है कि मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। बताइए इस प्रश्न का जवाब क्या देना चाहेंगे, रोहित कुमार, बीबी प्रजापति, दुर्गेश ओझा, नवेद प्रजापति, विशेष ठाकुर, भारद्वाज कुमार, बताइए भाई सभी लोग इस प्रश्न का जवाब दीजिए। प्रियांशु मिश्रा, संजीव कुमार, दीक्षा श्रीवास्तव, रोहित कुमार, मिथिलेश कुमार, ज्योति पाल, बताइए इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। अच्छा बी को लॉक कर दिया जाए, चलिए कंप्यूटर महोदय ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया जाए। और हाँ, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का एकदम सटीक जवाब हो जाएगा। बहुत सही, जिन भी साथियों का जवाब यहां पर ऑप्शन नंबर बी होगा उनका जवाब सही होगा। अब थोड़ा सा इस प्रश्न को आप लोग समझ लीजिएगा, एक बार इस प्रश्न को अच्छे तरीके से साथियों आप लोग समझ लीजिएगा, ताकि कोई दिक्कत आप लोगों को ना आए। देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले ही आप लोगों को समझाया था कि भार बराबर क्या होता है, भार बराबर होता है द्रव्यमान। समझ लीजिएगा, किसी भी पिंड का भार केवल दो कारकों पर निर्भर करता है, उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है और उस पर लगने वाले गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। आप कहेंगे सर ये गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, तो ध्यान से सुनना, यदि किसी वस्तु को मुक्त रूप से या स्वतंत्र रूप से किसी ऊंचाई से साथी गिराया जाएगा तो उस पर पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, इसकी वजह से वो पृथ्वी की ओर गिरने लगेगा।
लेकिन जैसे जैसे साथी आगे बढ़ता जाएगा उसका वेग बढ़ता जाएगा, अर्थात इसी वेग में परिवर्तन की दर को साथी क्या कहा जाता है, गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है, जिसे हम कैपिटल जी से दर्शाते हैं, माफ कीजिएगा, जिसे हम स्मॉल जी से दर्शाते हैं। अरे कैपिटल जी तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियतांक होता है। और हाँ, अभी आप लोगों को हम इसके बारे में समझाते हुए कैपिटल जी और स्मॉल जी में अंतर भी या संबंध भी यहां पर आपको हम बता देंगे। ध्यान से देखिएगा, यहां पर भाई भार बराबर होता है द्रव्यमान गुणे में गुरुत्वीय त्वरण। ध्यान से समझिएगा, भार यानी कि डब्ल्यू बराबर एम इंटू जी आप बताओगे, ठीक। अब ध्यान से समझिए साथियों, आप लोग जानते हो कि किसी भी पिंड का जो द्रव्यमान होता है, जो मास होता है ना, वो कभी भी बदलता नहीं है, वो हमेशा अपरिवर्तित रहेगा या हमेशा नियत रहेगा, ऐसा कहना ज्यादा सटीक होगा। ध्यान से समझ लेना, किसी भी पिंड का द्रव्यमान हमेशा नियत रहता है, ना तो घटेगा ना तो बढ़ेगा, ध्यान से समझना। तो इसका मतलब आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर इसका मतलब आप ये समझाना चाहते हैं कि फिर किसी भी पिंड का भार उस पर लगने वाले गुरुत्वीय बल का परिणाम होता है, यानी कि यहां पर जो गुरुत्वीय त्वरण लगता है इसके ऊपर निर्भर करेगा। अर्थात अगर गुरुत्वीय त्वरण बढ़ेगा तो फिर भार भी बढ़ जाएगा, और अगर गुरुत्वीय त्वरण साथी घट जाएगा तो भार भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्या ये बातें समझ पाए? अरे भाई आपने देखा कि भार में दो ही वेरिएबल हैं, या तो उसका द्रव्यमान यहां पर शामिल है, या तो क्या शामिल है, गुरुत्वीय त्वरण यहां पर शामिल है। हमने कहा ये मास जो होता है, ये मास यानी कि द्रव्यमान तो नियत रहता है, जिसका मतलब हम ये समझाना चाहते हैं कि जो भार होता है ना किस पर निर्भर करेगा, ये उस पर लगने वाले, उस पिंड पर लगने वाले गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करेगा। और आप लोग क्या जानते हो, आप लोग ये जानते होंगे ना कि अगर विषुवत रेखा की बात करें तो विषुवत रेखा पर जी का मान कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आप लोग बता सकते हैं, ठीक। और अगर हम यहीं पर ये जी का मान है, ये जी का मान है किस पर, आप कहेंगे सर विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर जी का मान आप लोगों को बताया गया। जबकि साथियों अगर ध्रुवों की हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, अगर हम ध्रुवों की बात करते हैं तो ध्रुवों पर जी का प्रमाणिक मान कितना होता है, लगभग आप बता सकते हैं 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आप बता सकते हैं। अब आप बताइए गुरुत्वीय त्वरण का मान सर्वाधिक किस जगह पर है, विषुवत रेखा पर कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ध्रुवों पर, आप कहेंगे सर ध्रुवों पर जी का मान सर्वाधिक है। और जहां पर साथियों जी का मान सर्वाधिक होगा वहीं पर किसी पिंड का भार भी सर्वाधिक होगा, क्योंकि आप लोग देख पा रहे हो कि ये द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण एक दूसरे के साथ गुणनफल में लगे हुए हैं। अर्थात अगर ये मान बढ़ते हैं, विशेषकर इस स्मॉल जी का मान साथियों बढ़ेगा, तो ये स्पष्ट कर लीजिएगा कि भार का मान भी बढ़ जाएगा, और अगर जी का मान घटा तो फिर भार भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? और एक चीज समझने का प्रयास करिएगा, अगर यहीं पर आप लोगों से हम स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध बताएं तो आप जानते हैं स्मॉल जी बराबर जी एम ई बटे में आर ई स्क्वायर। अब आप कहेंगे सर ये संबंध आपको कहां से मिला, तो इसे भाई किसी प्रश्न के माध्यम से हम डिटेल में समझाएंगे अगर मौका मिला, नहीं तो फिर ऐप वाली क्लास में इन सारी बातों की चर्चा हम करना शुरू कर चुके हैं। ऐप वाली जो क्लास चलती है दोपहर में 12 बजे, वहां पर गुरुत्वाकर्षण हम शुरू कर चुके हैं, ठीक है ना, उसकी शुरुआत कल से हो चुकी है, इसे डिटेल में समझना है तो वहां पर आप मिल सकते हो। अब यहां पर समझिए, यहां पर स्मॉल जी क्या है भाई, स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण है, कैपिटल जी क्या है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियतांक है, एम ई क्या है मास ऑफ द अर्थ यानी कि पृथ्वी का द्रव्यमान, और यहां पर आर ई क्या है साथी ये पृथ्वी की त्रिज्या है। तो आप लोग क्या देख पा रहे हो, ध्यान से यहां इस फॉर्मूले में ध्यान से आप लोग देखिएगा साथियों, ध्यान से समझना, ये है पृथ्वी की त्रिज्या, समझ गए, पृथ्वी की त्रिज्या और गुरुत्वीय त्वरण में कैसा संबंध होता है, आप कहेंगे सर उल्टा संबंध होता है, समझना इस बात को समझ लेना। अर्थात पृथ्वी की त्रिज्या अगर बढ़ेगी, मतलब आर ई यहां पर साथी रेडियस अगर बढ़ गया तो उस जगह पर जी का मान कम हो जाएगा। अरे उल्टा संबंध का मतलब अगर ये वेरिएबल साथी बढ़ा तो ये मान घट जाएगा, और अगर ये घटा तो ये मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और हाँ, इसी फॉर्मूले से आपको यह भी पता चल रहा है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान किसी भी पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, समझ पा रहे हैं? इसी तरीके से इस सूत्र से आप ये भी तो देख पा रहे हो ना
कि गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वो किसी पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। इस बात को यहां दिमाग में बैठा लीजिएगा। अब आप कहेंगे सर इस फॉर्मूले के माध्यम से आप समझाना क्या चाहते हैं, क्यों आपने इसमें यहां पर सारी चीजों को यहां पर बताने का प्रयास किया। हाँ, हम तो इसी के माध्यम से समझ गए थे, आपने कहा कि जी का मान विषुवत रेखा पर होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ध्रुवों पर जी का मान सर्वाधिक होगा और जिस जगह पर जी का मान सर्वाधिक होगा वहीं पर भार भी क्या होगा, सर्वाधिक होगा। लेकिन इसे बताना क्या चाहते हैं, इसके माध्यम से आप हमें क्या समझाना चाहते हैं, तो ध्यान से समझना। हमने कहा भाई देख लो ध्यान से आप लोग, यहां पर जी का मतलब होगा गुरुत्वीय त्वरण, कैपिटल जी का मतलब होगा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियतांक, एम ई का मतलब है पृथ्वी का द्रव्यमान और आर ई का मतलब पृथ्वी की त्रिज्या है। आपने क्या देखा कि पृथ्वी की त्रिज्या में और गुरुत्वीय त्वरण में साथी कैसा संबंध है, उल्टा संबंध है। अब पृथ्वी के आकार को याद करिएगा, पृथ्वी का आकार कैसा है, पृथ्वी का आकार जीवाइड है, समझ गए आप लोग, यानी कि ज्यामिताकार है। ज्यामिताकार का मतलब क्या हुआ, पृथ्वी साथियों विषुवत रेखा पर उभरी हुई है और ये ध्रुवों पर चपटी है, यानी पृथ्वी की त्रिज्या कहां पर ज्यादा है, पृथ्वी की त्रिज्या विषुवत रेखा पर ज्यादा है जबकि ध्रुवों पर कम है। अब आप बताइए अगर पृथ्वी की त्रिज्या विषुवत रेखा पर ज्यादा होगी तो जी का मान विषुवत रेखा पर सबसे कम होगा, इस फार्मूले के अनुसार आप लगा सकते हैं। उसी प्रकार आपने देखा कि विषुवत रेखा पर जी का मान कम है लेकिन पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों पर साथियों कम होती है और अगर त्रिज्या कम हो गई तो फिर जी का मान बढ़ेगा। यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं जी का मान सर्वाधिक कहां पर मिलेगा, ध्रुवों पर मिलेगा। हमें लगता है कि अब आपने सारी बातों को समझ लिया होगा, क्या अब आपने सारी बातों को समझ लिया, बिल्कुल समझ लिया। जहां पर इस्माइल जी का मान सर्वाधिक होगा वहीं पर किसी पिंड का भार साथियों क्या हो जाएगा, सर्वाधिक होगा। इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न को लगाते हैं। इस प्रश्न को बताइएगा कि पीसा की झुकी हुई मीनार, पहले यह बताइएगा कि पीसा की मीनार है कहां पर भाई, ये भी आप लोग बताइएगा और साथ ही साथ इस प्रश्न का जवाब भी हमें आप लोग दीजिएगा। क्या क्वेश्चन पूछा है कि पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि वह शीर्ष भाग में पतली हो गई है, बी कह रहा है कि वह बड़े तल क्षेत्रफल को आच्छादित करती है, इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र निम्नतम स्थिति में रहता है, या डी कह रहा है कि गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है। प्रश्न संख्या चौथे का जवाब दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर फोर का जवाब दीजिएगा और जो बातें इसके पहले आप लोगों को हमने समझाया था उसको आप लोग जरूर याद करिएगा, वहां से कुछ शानदार प्रश्न साथियों बनते हैं। तेजी से चौथे प्रश्न का उत्तर हम तक छाप के पहुंचाइए, क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब, पीसा की मीनार किस जगह पर है भाई, इटली में, कहां बताएंगे, इटली में। और अभी ये पीसा की झुकी हुई मीनार क्यों गिर नहीं जाती, क्योंकि इसके गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाले ऊर्ध्वाधर रेखा इसके तल के अंदर रहती है। अब ये गुरुत्व केंद्र क्या होता है थोड़ा सा समझ लीजिएगा, यहां पर इस गुरुत्व केंद्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको हम दे देते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। गुरुत्व केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है साथियों समझना, गुरुत्व केंद्र वह स्थान होता है जहां पर किसी पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान संकेंद्रित रहता है। हमने फिर आप लोगों से बोला कि गुरुत्व केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी वह स्थान जहां पर किसी भी पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान संकेंद्रित रहता है, समझ गए। जैसे हम अपने अपनी बात करें साथी, हम मनुष्यों की अगर बात करते हैं, ध्यान से समझने का प्रयास करना, हम कह रहे हैं कि हमारा संपूर्ण द्रव्यमान साथियों किस जगह पर केंद्रित रहेगा, अरे भाई बड़ा खतरनाक बन रहा है। चलिए हम कह रहे हैं कि हमारा संपूर्ण द्रव्यमान किस जगह पर केंद्रित रहेगा, आप कह सकते हैं कि सर नाभि पर, कहां पर, ध्यान से समझना, मनुष्यों का साथी संपूर्ण द्रव्यमान किस जगह पर संकेंद्रित होगा, आप कह सकते हैं कि हमारी नाभि पर, ध्यान से समझना साथियों, ध्यान से इस बात को समझ लीजिएगा। और जब आप लोगों से यह प्रश्न पूछेगा कि पहाड़ों पर चढ़ते समय, पहाड़ पर चढ़ते समय हमारा संपूर्ण द्रव्यमान कहां पर आ जाता है, तो आप कहेंगे सीने पर आ जाता है, समझ गए। पहाड़ों पर चढ़ते समय हम क्या, हम झुक कर चढ़ते हैं ताकि साथी गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहे। लेकिन हाँ, समझने का प्रयास करना, धरती पर चलने के दौरान हमारा संपूर्ण द्रव्यमान किस जगह पर रहता है, आप कह सकते हैं नाभि पर रहता है। इसे हम और डिटेल में आप लोगों को समझाएंगे। यहां इतना समझ लीजिएगा
कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, एक ऐसा स्थान जहां पर किसी पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित रहता है, समझ गए। और हां, जो पीसा की झुकी हुई मीनार है, ऐसा अनुमान लगाया गया है कि आगे चलकर वह गिर जाएगी। क्यों क्यों ऐसा होगा? क्योंकि तब गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा उसके तल के बाहर चली जाएगी। समझ गए आप लोग? बिल्कुल, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ ही आप लोग जाइएगा। चलिए अब पांचवें प्रश्न का जवाब दीजिएगा। बहुत ही शानदार सा प्रश्न पूछा गया, एकदम सटीक, एकदम शानदार उत्तर के लिए आप लोगों को अच्छे तरीके से इस प्रश्न को पढ़ना होगा। यदि पृथ्वी और सूर्य की जो दूरी है उसके स्थान पर दोगुनी हो जाए तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लगाया जाता है वो कितना हो जाएगा? इस प्रश्न को पढ़िए और जवाब दीजिएगा। बहुत ही शानदार सा प्रश्न है भाई। क्वेश्चन नंबर पांचवें का उत्तर दीजिए। हाँ शिवापाल, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई। चलिए बताइए क्वेश्चन संख्या पांचवा, प्रश्न नंबर पांचवा बताइएगा इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। थोड़ा तेजी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए ताकि इसके पीछे का कॉन्सेप्ट आप लोगों को हम सिखा पाए। प्रश्न पढ़ लिया ना आप लोगों ने? प्रश्न पढ़ लिया ना? अब इस प्रश्न के पीछे छुपे हुए कॉन्सेप्ट को आप लोग एक बार तेजी से देख लो। एक बार जल्दी से तेजी से इसको हम दिखा देते हैं कि कैसे इन प्रश्नों को आप हल करोगे। देखिए ये बताइए, कल आप लोगों को हमने समझाया था कि एफ बराबर कैपिटल जी एम वन इंटू M1 into M2 बटे में R स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमें कल मिला था, ठीक। इसे आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाया गया था। आप लोग ये बताइए इसे क्या पढ़ते हैं? देखो, दो पिंडों के मध्य में लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती यानी कि सीधा वाला संबंध होता है, जबकि उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी कि उल्टा वाला संबंध होता है। ये तो आप समझ पाए? क्या समझ पाए? समझो फिर से एक बार। अगर साथियों दूरी बढ़ेगी तो आकर्षण बल घट जाएगा और दूरी घटेगी तो आकर्षण बल बढ़ जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? ये संबंध आप लोगों को कल भी हमने बताया था। अब देखिए, कह रहा है कि सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी, मान लीजिए भाई ये पृथ्वी है और ये हमारा हो गया सूरज, क्या हो गया? चलिए थोड़ा सा और नजदीक ही बनाए ताकि यहां पर स्पेस मिलेगा तो हम उस प्रश्न को अच्छे तरीके से हल करा पाए, ठीक। मान लीजिए कि ये पृथ्वी है और ये मान लीजिए कि भाई सूरज है, थोड़ा सा और बड़ा बना दे यहां पर ताकि आप स्पष्ट तरीके से समझ पाए। कह रहा है कि इनके बीच की दूरी मान लीजिए बढ़कर दोगुनी हो जाए। अभी दूरी है कितनी आप जानते हैं? अभी दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर। वैसे यहां पर इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए एक बेहतर माध्यम होगा, ठीक। मान लीजिए ये भाई अर्थ है, ये है हमारा सन, इनके बीच की जो दूरी है साथियों, ये कहना चाहता है क्वेश्चन कि दूरी बढ़कर साथी क्या हो जाए? दूरी बढ़कर दोगुनी हो जाए। ऐसा मान लीजिए कि अब ये दूरी हो गई बढ़कर दोगुनी हो गई। ये दूरी कितनी? ऐसा मान लीजिए भाई कि ये दूरी अब हो गई 30 करोड़ किलोमीटर। तो इस कंडीशन में सूरज के माध्यम से पृथ्वी पर जो आकर्षण बल लगाया जा रहा था, आप ये बताइए, पहली बात तो यही अनुमान लगा लीजिए, दूरी बढ़ गई तो आकर्षण बल घटेगा कि बढ़ेगा? आप कहेंगे सर दूरी अगर बढ़ गई तो आकर्षण बल घट जाएगा, लेकिन वो होगा कितना इसे आप लोग समझिएगा। देखिए इस कंडीशन में, पहले कंडीशन में देखें जब दूरी कितनी थी 15 करोड़ किलोमीटर, वैसे आपको समझाने के लिए दूरी बताई गई है, ठीक। तो F1 बराबर लिखेंगे जी एम वन इंटू एम टू बटे में आर स्क्वायर। अब जब दूरी बढ़कर दोगुनी हो जाएगी तो यहां पर उतारिएगा F2 बराबर जी एम वन, ध्यान देना एम टू दूरी हो गई है दोगुनी, यानी कि यहां पर लिखेंगे 2R का होल स्क्वायर। कितना आएगा? ये आएगा जी M1 into M2 बटे में 4R स्क्वायर। इसे मान लीजिएगा स्टेटमेंट नंबर 2, यानी कि समीकरण संख्या 2 मान लीजिए, इसे समीकरण संख्या 1 मान लीजिए। अब आप कहेंगे सर किस तरीके से इसे हल करेंगे? तो आप F1 बटे में F2 लगा लीजिएगा, क्या मिलेगा भाई? देखिए ऊपर रहेगा G M1 into M2 बटे में क्या, समीकरण नंबर 1 में क्या लिखा है नीचे? R स्क्वायर, और पूरे के बटे में G M1 into M2 बटे में क्या मिल जाएगा? 2R स्क्वायर, माफ कीजिएगा यहां पर 4R स्क्वायर हमें मिल गया है। क्या मिल गया है? 4R स्क्वायर। अब इसे हल कर लीजिएगा भाई आराम से। देखिए इस हिस्से से ये हिस्सा कट जाएगा,
आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा। अब ऊपर एक बचा, बटे में एक बचा, फिर बटे में एक के बटे में चार बचा, इसे हल करोगे तो ये कितना मिल जाएगा, चार बटे में एक मिल जाएगा। तो अभी आपको मान कितना मिला, मान मिल गया एफ वन बटे एफ टू का मान चार बटे में एक मिल गया। घबराइएगा नहीं, अगर ये तरीका नहीं समझ में आया तो अभी हम बिल्कुल सरल तरीके से ट्रिक लगाना आपको सिखा देंगे। कुछ भी पूछेगा, चाहे दुगनी की बात करेगा, चौगनी की बात करेगा, आधे की बात करेगा, साथियों सब आप लोगों को समझ में आएगा। प्रश्न एक बार ध्यान से फिर देख लीजिएगा, यदि पृथ्वी और सूर्य की जो दूरी है उसके स्थान पर दूरी दोगुनी हो जाए, अरे दूरी बढ़ गई है, स्पष्ट हो गया है साथियों कि आकर्षण बल क्या होगा, आकर्षण बल घटेगा, लेकिन वो घटकर कितना रह जाएगा, यही आपको हम समझाना चाहते हैं। समझ में आ गया कि F1 बटे F2 में क्या मिल गया आपको, चार बटे में एक मिल गया। तो F2 का मान चाहिए, आप निकाल के देखिएगा, F2 का मान मिल जाएगा एक बटे में चार एफ वन। सिंपल मैथ है भाई, लगा सकते हैं आप, क्या मिल जाएगा, अरे तिरिया गुणा करा के आप निकाल लीजिएगा मान, एफ टू का मान मिल जाएगा एक बटे में चार एफ वन। समझना, यानी कि जो आकर्षण बल अब लगेगा, दूरी दोगुनी हो जाने के बाद जो आकर्षण बल लगेगा वो पहले वाले की तुलना में एक चौथाई रह जाएगा। कितना, पहले वाले की तुलना में उसका एक चौथाई, अरे का मतलब गुणा और एक बटे चार के गुणे में एफ वन लिखा गया है। तो हमने कहा दूरी बढ़ जाने के बाद, ध्यान से समझना, जो आकर्षण बल लगेगा वो पहले वाले की तुलना में एक चौथाई रह जाएगा। इस प्रश्न का सटीक जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और यदि आप लोग इतना बड़ा हल नहीं करना चाहते हैं, ठीक, केवल दूरी बढ़ाने की बात करा है ना, तो केवल यहां पर वेरिएबल दूरी को देखिए और उसके माध्यम से बातों को समझ लीजिए भाई, ट्रिक लगा लीजिएगा, आराम से ऐसे प्रश्नों को हल कर जाएंगे। ये बताइए आप, आकर्षण बल और दूरी में कैसा संबंध है, उल्टा संबंध है कि नहीं, एक बटे में आर स्क्वायर, ऐसा देख पा रहे हो ना आप लोग, अरे भाई ऐसा आप लोग देख पा रहे हैं कि आकर्षण बल और दूरी में उल्टा संबंध है। अब दूरी को बढ़ा दिया है, कह रहे कि दुगुनी कर दी गई, तो एक बटे में यहां पर क्या लिखा गया, आर स्क्वायर, इसे टू आर स्क्वायर लगाइए, कितना मिल जाएगा, एक बटे में चार आर स्क्वायर, यानी कि एक चौथाई आपको यहां से पता चल जाएगा। आराम से ऐसे प्रश्नों को सिंपल सा ट्रिक लगाकर भी आप लोग हल कर सकते हो, ठीक। अब आप बताइए, एक चौथाई रह जाएगी, यानी कि आकर्षण बल का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि दूसरे एग्जाम्पल के तौर पर आपसे पूछे, मान लीजिए ऐसा कहे कि दूरी बढ़कर चार गुनी हो गई, मान लीजिए कि पृथ्वी और सूरज के बीच की जो वर्तमान दूरी है साथियों वो बढ़कर चार गुनी हो गई। अब चार गुनी कहा है, फिर से वही फॉर्मूला, एफ बराबर एफ एक बटे में आर स्क्वायर, क्या लिखेंगे, एक बटे में फोर आर का होल स्क्वायर यहां पर आप लोग लगाएंगे, यानी कि एक बटे में सोलह आर स्क्वायर आपको मिला। यानी कि अगर दूरी बढ़कर साथी कितनी हो गई, चार गुने, तो आकर्षण बल साथी कितना रह जाएगा, आकर्षण बल घटकर एक बटे सोलह गुना रह जाएगा। लेकिन मान लीजिए आपसे ऐसा कहे कि दूरी घटकर आधी रह गई, क्या रह गई, आधी। अब आप बताइए, दूरी अगर आधी हो गई, दूरी अगर घट गई, हाँ दूरी अगर घट गई, तो आप क्या बताओगे, आकर्षण बल बढ़ेगा कि घटेगा, अरे दूरी घटी, आकर्षण बल बढ़ेगा, लेकिन कितना होगा, आधी का मतलब आप कहेंगे सर यहां पर आधा, ठीक। अब यहां पर क्या करिए, एफ बराबर एक बटे आर स्क्वायर, यानी कि एक बटे में एक बटे दो आर का पूरा हो जाएगा होल स्क्वायर, एक बटे दो का मतलब नीचे क्या मिलेगा, एक बटे में चार मिल जाएगा, आर स्क्वायर चार जाएगा ऊपर, चार बटे में एक आर स्क्वायर, यानी कि चार गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अगर आधी हो गई, अगर दूरी घटकर आधी हो गई, तो आकर्षण बल साथियों चार गुना हो जाएगा। ऐसे आप लोग इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को लगाते हैं, छठवें प्रश्न का जवाब दीजिएगा, क्वेश्चन संख्या छठवें का जवाब दीजिएगा। कथन कह रहा था कि चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में एक बटे छह रहता है, इसके पीछे का कारण आपसे जानना चाहता है। जो कारण आपसे दिया है, क्या उससे आप सेटिस्फाइड है भाई, चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। अब इस प्रश्न को पढ़िए और जवाब दीजिएगा, शानदार सा प्रश्न है ये, प्रश्न बहुत ही शानदार सा है और ऐसे प्रश्न अक्सर लोगों के गलत हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर छठवें का जवाब दीजिएगा, ठीक, क्वेश्चन नंबर छठवें का साथियों जवाब दीजिएगा। और हमें लगता है कि यहां पर जो बातें आप लोगों को हमने समझाने का प्रयास किया है उसके माध्यम से बेहतर तरीके से आपने बातों को सीख लिया होगा, ठीक। चलिए
प्रश्न का जवाब दीजिएगा छठवें क्वेश्चन का। और हाँ, अगर कहीं पर किसी प्रकार की कोई समस्या हुई हो साथियों तो हमें सूचित जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर छठवें का जवाब दीजिए। यहां पर ए वाले कितने लोग हैं भाई? हाँ, नवेद ए, विनीत कुमार सी कह रहे हैं, जस्सी ए, प्रतीक द्विवेदी, उसके बाद विशेष ठाकुर, खुशबू कीर्ति, सभी का जवाब यहां पर ए आया है। अच्छा, यह मतलब चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण ही नहीं है तो आप लोगों ने प्रकृति के उस नियम को क्या कर दिया, एकदम से धराशायी कर दिया, जिसको न्यूटन साहब ने बताया था, जिसको ब्रह्मगुप्त साहब ने बताया था, उसको पूरी तरीके से धराशायी कर दिया। आप लोग ऐसा मान बैठे हैं। हाँ, जो कारण लिखा गया है ये भी अपने आप में सही है क्योंकि चंद्रमा के पास कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं होता। अरे भाई, ब्रह्मांड का जानते हो, ब्रह्मांड का प्रत्येक पिंड किसी दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है। एक छोटा सा कण होगा ना, जिसे आप नग्न आंखों से नहीं देख पाते, उसके पास भी आकर्षण बल होता है। समझ गए? कभी कभी मिट्टी में आपको कुछ ऐसे महीन कण दिखते होंगे जो चमकते होंगे धूप की रोशनी में, धूप में जो चमकते होंगे साथी, वे भी कण क्या करते हैं, आकर्षण बल लगाते हैं। तो उनकी तुलना में तो चंद्रमा बहुत बड़ा पिंड है, उसके पास भी, ध्यान से समझना, उसके पास भी साथी गुरुत्वाकर्षण होता है। समझने का प्रयास किया करो आप लोग। यहां पर कथन में लिखी गई बात एकदम सही है कि चंद्रमा पर जो मानव का वजन होगा साथियों, वो पृथ्वी की तुलना में कितना होगा, 1/6 रहता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की तुलना में इस्माइल जी का मान वहां पर 1/6 ही रहेगा। समझ पा रहे हो? अरे भाई, वजन लिखा है, भार लिखा है, और भार का मतलब आपको मैंने समझाया, भार में दो ही वेरिएबल होते हैं, द्रव्यमान होता है और गुरुत्वीय त्वरण होता है। और आप जानते हैं कि द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, द्रव्यमान तो बदलेगा नहीं, चाहे कोई मनुष्य धरती पर हो, चाहे यहां से चला जाए किस जगह पर, चंद्रमा पर चला जाए, मंगल पर चला जाए, उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा, या आप कह सकते हैं कि नियत रहता है। तो हमने समझाया था कि वजन या भार फिर किस पर निर्भर करेगा, स्मॉल जी के मान पर निर्भर करेगा। स्मॉल जी का मान घटेगा तो भार घट जाएगा, बढ़ेगा तो बढ़ जाएगा। समझाया गया था ना आप लोगों को? अरे भाई, समझाया गया था आप लोगों को। और फिर हम बता रहे हैं आप लोगों को कि स्मॉल जी का मान चंद्रमा पर घटता है, किसकी तुलना में, पृथ्वी की तुलना में, घटकर 1/6 रह जाएगा, तो वजन भी उसी अनुपात में घटेगा। अरे जिस अनुपात में जी का मान घटेगा बढ़ेगा, उसी अनुपात में वजन भी घट और बढ़ जाएगा। ठीक, लेकिन ध्यान से समझना, चंद्रमा के पास भी साथी क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। यहां पर अस्पष्ट रूप से लिखा है नहीं है, तुम्हारा कथन सही है, जबकि कारण क्या है, कारण यहां पर साथियों गलत हो चुका है। लेकिन हाँ, जब आपसे पूछेगा कि चंद्रमा और पृथ्वी की तुलना करने पर किसका आकर्षण बल प्रबल होगा या मजबूत होगा, आप कहेंगे जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा। अरे आप लोगों को F बराबर g m1 into m2/r² समझाया गया है, क्यों वहां से आप लोग प्रश्नों को हल नहीं कर पाते हो? ठीक, चलिए, वहां से उन प्रश्नों को हल कर सकते थे। W बराबर m into g भी आपको बताया गया। तो आज नोट कर लीजिएगा यहां पर इस बात को कि चंद्रमा पर जो प्रत्येक कण होगा संसार में या पूरे ब्रह्मांड में, प्रत्येक कणों के पास अति आकर्षण बल होता है, लेकिन जिनका द्रव्यमान ज्यादा होगा उनके पास आकर्षण बल प्रबल होगा साथियों। और दूरी का मानक क्या है, दूरी बढ़ेगी तो आकर्षण बल घटेगा और घट जाएगी तो बढ़ जाएगा। समझ गए आप लोग? हाँ, चलिए ठीक है, ठीक है भाई, थोड़ा तेजी से ही चलने का प्रयास करते हैं। हाँ, इस प्रश्न का जवाब क्या होगा कि ए सही है लेकिन आर क्या है भाई, आर गलत है। हम प्रयास करते हैं कि प्रश्न ज्यादा से ज्यादा यहां पर हल कराएं। अब बताइए इस प्रश्न का जवाब क्या देंगे, मानव शरीर का भार होता है। इस प्रश्न को पढ़िए और जवाब दीजिएगा, ऐसे प्रश्नों को गलत नहीं कर सकते आप लोग। हाँ हाँ बिल्कुल भाई, सभी को हम चाय बिस्किट जरूर बंटवा देंगे, परेशान मत होइएगा, हम चाय और बिस्किट जरूर लेकर आपके घर पहुंचेंगे भी थोड़ी देर में, ठीक, क्योंकि आप बहुत शानदार काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं, अगर आप बेहतर तरीके से बातों को सीख पाते हैं तो ये बहुत ही शानदार काम आप लोग कर रहे हो, ठीक। हाँ, लेकिन जानबूझकर गलती मत करिएगा, अगर गलती से गलती हो जाए, ठीक है ना, तो चल जाएगा। प्रयास आपको करना है कि आप, हाँ, प्रयास आपको करना है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को यहां पर हल कर पाओ। ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं होती है, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी होता है। चलो कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, हम प्रयास करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन दिखा पाए। भाई ए को लॉक किया जाए, समझा दिया गया है, यहां पर किसी प्रकार की कोई दुविधा, कोई असुविधा आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, और हारा वही जो दिल से या मन से लड़ा नहीं। तो दिल से प्रयास करना है, मन से प्रयास करना है, जरूर ऐसे प्रश्नों का उत्तर आप कर पाओगे। चलिए अगले प्रश्न को लगाते हैं।
कह रहा है कि यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक से लुप्त हो जाए, जो उसका आकर्षण बल है पृथ्वी का, जिसकी वजह से वो किसी पिंड को अपनी ओर खींचती है साथियों, यही अचानक से लुप्त हो जाए, गायब हो जाए, तो निम्न में से क्या होगा? आप विकल्प को पढ़िए और जवाब दीजिएगा, आप विकल्प को पढ़िए और जवाब दीजिएगा साथियों। यहां ऑप्शन नंबर द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट विल इंक्रीज, हाँ ऑप्शन नंबर डी में लिखा है कि वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। विकल्पों को ध्यान से पढ़ना, थोड़ा तेजी से निपटाइए प्रश्न को, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन के माध्यम से आपको हम ज्यादा से ज्यादा बातों को सिखा पाए। ऑप्शन नंबर डी में लिखा है कि वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, बताइएगा इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर आठवें का लॉजिकल प्रश्न है भाई, इस प्रश्न का जवाब दीजिए। और हमने बार बार आप लोगों से कहा कि ऐप पर जो दोपहर में 12 बजे क्लास चलती है, वो भी जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए रखी गई है, अपनी पाठशाला ऐप पर आप जाकर देखेंगे तो तर्कस बैच में जो थ्योरी की क्लास चल रही है ना, उसमें हमने कल शुरुआत कर दी है गुरुत्वाकर्षण नाम के चैप्टर की। इसे और डिटेल में अगर आप लोगों को समझना है तो आप लोग वहां दोपहर में 12 बजे जुड़ना मत भूलिएगा। बताइए आठवें प्रश्न का जवाब क्या देंगे, आठवें प्रश्न का सी यहां पर कुछ लोग बता रहे हैं, कुछ लोग यहां पर ए बता रहे हैं। जिनका जवाब यहां पर ऑप्शन नंबर ए है, उनका जवाब सही है। अगर गुरुत्वाकर्षण बल साथी पृथ्वी का अचानक से क्या हो जाए, गायब हो जाए, तो वस्तु का भार क्या होगा? ध्यान से समझो, वस्तु का भार शून्य होगा, लेकिन आप जानते हो ना कि द्रव्यमान क्या रहेगा, द्रव्यमान नहीं बदलेगा, द्रव्यमान नियत रहता है। इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ ही आपको जाना है। अगले प्रश्न को बताइए, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा एक कृत्रिम उपग्रह है, ठीक, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, इसलिए वह पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण, बताइए इस प्रश्न का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर नाइन का जवाब दीजिएगा, शानदार सा प्रश्न भाई, एक बार ताकत झोंकिए, थोड़ा सा आप लोग शेयर करने का प्रयास करिए, कुछ संख्या आप लोग बढ़ाइए ताकि कंपटीशन और बढ़ाया जा सके, थोड़ा सा आप लोग शेयर कर दीजिए जितने भी एजुकेशनल ग्रुप में आप लोग जुड़े होंगे। इस प्रश्न का जवाब दीजिए, पृथ्वी के चारों ओर आप जानते हो ना सैटेलाइट जो होते हैं, चंद्रमा के अतिरिक्त जितने भी उपग्रह साथी घूम रहे हैं वो क्या है, वो कृत्रिम उपग्रह है, लेकिन कह रहा है कि घूमते तो है लेकिन वो नीचे क्यों नहीं गिरते, क्योंकि जानते हैं उसकी गति के लिए जो पृथ्वी का आकर्षण बल होता है उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान कर देता है, किसकी, यानी कि जो कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक, वो इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का जो खिंचाव बल होता है साथी, इसकी वजह से उपग्रह की गति के लिए आवश्यक त्वरण साथी मिल जाता है। समझ गए आप लोग, और अभी इस प्रश्न को और हम अच्छे तरीके से आप लोगों को क्लियर करते हैं। हो सकता है कि अगला क्वेश्चन इस पर यहां पर, हाँ चलिए ठीक है, इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा, इसके माध्यम से अभी ये पिछला वाला प्रश्न आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा, और हमें लगता है, हमें पूरा भरोसा है कि आप इस प्रश्न का उत्तर बहुत आसानी से कर पाओगे। अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी का चक्कर लगाता है, वह ऐसा निम्न में से किस बल की वजह से कर पाता है? अपकेंद्रीय यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, केंद्राभिमुखी यानी कि अभिकेंद्रीय बल जिसे इंग्लिश में सेंट्रीपेटल फोर्स कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल या इसकी कमी या कोई अन्य बल। ध्यान से समझना, हमने आप लोगों को जब बल पढ़ाया था जिसमें घर्षण बल, अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल मैंने पढ़ाया था, तो हमने आप लोगों को सेंट्रीपेटल फोर्स के बारे में जानकारी दी थी। साथियों ध्यान से समझना, अब पिछले प्रश्न को एक बार अच्छे तरीके से आप लोग समझ लीजिएगा। मान लीजिए कोई पिंड है साथी, कोई पिंड है वो वृत्ताकार पथ में क्या करता है, चक्कर लगा रहा है। कोई पिंड है वो वृत्ताकार पथ में क्या कर रहा है साथियों, चक्कर लगा रहा है। मान लीजिए इस तरीके से क्या कर रहा है, नाच रहा है। तो वृत्ताकार पथ पर साथियों चक्कर तभी लगा पाएगा जब इस पिंड पर केंद्र की ओर एक बल काम करेगा। क्या, केंद्र की ओर जब तक कोई बल नहीं काम करता साथी, तब तक कोई भी पिंड वृत्ताकार मार्ग में चक्कर नहीं लगा सकता। और इसी बल को जो केंद्र की ओर काम करता है साथी, इसे केंद्राभिमुखी बल कहा जाता है, इसे सेंट्रीपेटल फोर्स के नाम से जाना जाता है। क्योंकि न्यूटन का गत विषयक तीसरा नियम एक्शन रिएक्शन लॉ क्या कहता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या कहता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यदि इस पिंड पर
जो वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा था, यदि इसको साथी केंद्र की ओर खींचा जा रहा है या इस पर केंद्र की ओर कोई बल काम करता है, तो ध्यान से आप लोग समझ लीजिएगा, इसके विपरीत भी यानी केंद्र से बाहर की ओर भी एक बल काम करेगा जिसे अपकेंद्रीय बल कहा जाता है। उसी अपकेंद्रीय बल के माध्यम से साथी इसको गति मिल पाती है, किसको, इस वृत्ताकार पथ पर नाच रहे पिंड को, या आप कह सकते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे उपग्रह को गति मिल पाती है, जिसकी वजह से वो सैटेलाइट साथी तेजी से पृथ्वी के चारों ओर नाचता है और धरती पर नहीं गिरता है। यह है पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक, चलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और क्वेश्चन नंबर 9 को फिर इसी के माध्यम से एडजस्ट कर लीजिएगा, आपको उस प्रश्न का जवाब भी मिल गया है। चलिए अगले प्रश्न को लगाते हैं। अच्छा सा प्रश्न है, प्रकृति में ज्ञात चार बल हैं साथी, प्रकृति में ज्ञात बलों को चार भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से बल यहां पर बताया है, गुरुत्व बल यानी कि पृथ्वी का जो आकर्षण बल होता है जिससे क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, विद्युत चुंबकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल, उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो साथियों छाप लीजिएगा, यही पहला वाला कथन गलत लिखा गया है, क्योंकि इन चारों बलों में कौन कौन से, गुरुत्व बल में, विद्युत चुंबकत्व बल में, दुर्बल नाभिकीय बल में और प्रबल नाभिकीय बल में सबसे कमजोर होता है, कौन, गुरुत्व बल यानी कि पृथ्वी का आकर्षण बल साथियों ये सबसे कमजोर होता है। यहां पर सबसे प्रबल लिखा है, यही गलत किया है, ये सबसे कमजोर होता है। तो आप कहेंगे सर ये बता दीजिए कि फिर इन चारों बलों में सबसे प्रबल कौन सा होगा, तो प्रबल नाभिकीय बल। नाभिकीय बल साथी ये क्या होता है, ये चारों बलों में सबसे प्रबल, सबसे ताकतवर माना जाता है। समझ पा रहे हैं आप लोग, बाकी जो अन्य विकल्प लिखे गए हैं साथियों उसे भी आप लोग अच्छे तरीके से पढ़कर याद कर लीजिएगा, ये कुछ ऐसी जानकारी होंगी जो आपके कॉन्सेप्ट को और मजबूत करेंगी। समझ पा रहे, इसे आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यहां पर ऑप्शन नंबर डी वाली बात देखो, प्रबल नाभिकीय बल परमाणु के केंद्रक में किसे बांध कर रखता है, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को बांध कर रखने की क्षमता होती है। भाई ध्यान से सुनना, और यही प्रकृति में ज्ञात चारों बलों में क्या होता है, सर्वाधिक ताकतवर होता है, या आप कह सकते हैं कि सर्वाधिक प्रबल होता है। समझ गए, चलिए अगले प्रश्न को लगाते हैं। लोलक की कालावधि की बात क्या है, भाई आप जानते हैं सरल लोलक का आवर्त काल कितना होता है, सरल लोलक का अगर आवर्त काल आप लोगों से पूछेगा तो आप बताएंगे टी बराबर 2π एल अपॉन में जी, और आप जानते हैं कि यहां पर एल क्या है साथी, लंबाई है। एल क्या है, यहां पर लंबाई है। अब अगर इसका मतलब यह हुआ कि कालावधि की बात किया है साथी, आवर्त काल की बात किया है, किस पर निर्भर करेगा, लंबाई के ऊपर निर्भर करेगा। क्यों, अगर लंबाई बढ़ेगी तो आवर्त काल साथी बढ़ जाएगा, लंबाई घटेगी तो आवर्त काल घट जाएगा। जिस अनुपात में लंबाई घटेगी और बढ़ेगी उसी अनुपात में आवर्त काल भी घटेगा और बढ़ेगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा कि किसी भी लोलक की कालावधि साथी किस पर निर्भर करती है, उसका जो टाइम पीरियड होता है किस पर निर्भर करता है, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि, इस प्रश्न का जवाब दीजिए, बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब क्या देना चाहेंगे आप लोग, ध्यान से इस प्रश्न को अटेम्प्ट करिएगा। लोलक घड़ियां जो होती हैं गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, क्यों ऐसा होता है, इस प्रश्न का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन बोर्ड पर लग गया है, बताइए इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। हाँ बताइए भाई, हाँ झुनझुन, ज्वाला, कुमारी, पुष्पांजलि, मिथिलेश, माही, विनीत, हेमवंती, प्रियांशु, नैवेद्य, प्रजापति, माही, प्रतीक, विनीत, बताइए इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा आप लोग। लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं, क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। भाई आप कहेंगे सर फिर से वही बात, हाँ सरल लोलक का आवर्त काल कितना होगा, टी बराबर फिर से आप देखिएगा 2π अंडर रूट एल अपॉन में जी, और आप ये बताइए अगर गर्मियों में लोलक की लंबाई साथी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ गए, तो आवर्त काल भी बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने कहा लंबाई और आवर्त काल में बिल्कुल सीधा वाला संबंध है। लंबाई गर्मियों में लोलक घड़ियों की साथी क्या हो जाती है, समझिएगा,
यहां पर उसकी लंबाई साथ ही क्या होती है, बढ़ जाती है। लंबाई बढ़ेगी तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा, आवर्तकाल बढ़ा इसका मतलब गर्मियों में जो होंगे लोलक घड़ियां वो क्या पड़ जाएंगे साथी, सुस्त पड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगी, सुस्त हो जाएंगी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 14वीं की बात करिए। यदि लकड़ी, माफ कीजिएगा, यदि लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, ठीक, तो उस लड़की के खड़े हो जाने पर, यहां पर क्या होगा, उस लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल साथी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वही वाली बात, लड़की अगर खड़ी हो जाएगी साथी तो फिर क्या, वहां पर आप कहेंगे लंबाई कम हो जाएगी। लंबाई अगर कम हो गई तो फिर आवर्तकाल साथी क्या हो जाएगा, आवर्तकाल कम हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न संख्या 15वीं की बात करते हैं। प्रश्न संख्या, चलिए 15वें की जगह प्रश्न संख्या साथी 16वां लगाते हैं। ठीक, इसे बताइएगा, पेंडुलम घड़ी, पेंडुलम यहां पर साथियों घड़ी होना चाहिए, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। पेंडुलम घड़ी साथियों तीव्र गति से कब चलेगी, शीतकाल में चलेगी। कब चलेगी, पेंडुलम घड़ियां तीव्र गति से साथियों कब चलेंगी, इन विंटर यानी कि शीतकाल में चलेंगी। अगले प्रश्न को देखिएगा, ये प्रश्न ज्यादा शानदार है। ठीक, पृथ्वी का पलायन वेग आप लोगों से पूछा है, पलायन वेग क्या होता है समझने का प्रयास करना, एस्केप वेलोसिटी आप लोगों से पूछा है, पृथ्वी का पलायन वेग साथियों आप लोगों से पूछा है। ठीक, कितना होगा, 15 किलोमीटर प्रति सेकंड होगा। ठीक, यहां पर 21.1 किलोमीटर प्रति सेकंड होगा, 7 किलोमीटर प्रति सेकंड होगा कि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होगा, बताइएगा। इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है। अब पलायन वेग क्या होता है, पलायन वेग वह न्यूनतम वेग होता है जिसको प्राप्त कर लेने के बाद कोई वस्तु पुनः धरती पर लौट कर वापस नहीं आती है, यह होता है पलायन वेग। और यहां पर आपसे पृथ्वी का पलायन वेग साथियों पूछा है, जल्दी से आप लोग बता दो इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। हाँ बिल्कुल भाई, जो इस प्रश्न को गलत किया है उसको हम पलायन वेग के माध्यम से क्या करेंगे, फेंक देंगे ताकि वो पुनः धरती पर लौट कर वापस ना आए, कहां पर पहुंच जाए, हाँ ताकि वो धरती पर लौट कर वापस ना आए, कहां पहुंच जाए, अंतरिक्ष में पहुंच जाए। इसे व्लादिमीर पुतिन जी बिल्कुल घबराइए नहीं, जिस प्रश्न का उत्तर दे दिया गया है जिस तरीके से दे दिया गया उतना पर्याप्त है। ठीक, जहां पर हमें लगेगा कि अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए वहां पर हम बिना आपके कहे, ठीक है, उस प्रश्न को हम बताएंगे। निश्चिंत रहा करिए, ये मेरी क्लास है, यहां पर खानापूर्ति नहीं किया जाता, यहां पर ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल नहीं खेलने का प्रयास किया जाता भाई, एकदम निश्चिंत रहना और पूरा भरोसा करना, हमें जहां पर ऐसा लगेगा हम जरूर करेंगे। बताओ, जल्दी बताओ, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड लिखा गया है, यानी जब हमने अभी आपसे क्या बताया, एस्केप वेलोसिटी यानी कि पलायन वेग साथी क्या होता है, एक प्रकार का ऐसा वेग होता है या आप कह सकते हैं वह न्यूनतम वेग जिसे प्राप्त कर जाने के बाद कोई पिंड धरती पर वापस नहीं आता है, कहां पहुंच जाता है, अंतरिक्ष में पहुंच जाता है। यानी अगर आपने किसी वस्तु को इस तरीके से फेंका, किसी वस्तु को इस तरीके से साथी आपने फेंका कि वह एक सेकंड में कितनी दूरी तय कर लिया, 11.2 किलोमीटर, तो वह पृथ्वी के पलायन वेग को साथी प्राप्त कर जाता है, तो वह पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र होता है साथी उसको पार कर जाएगा और वो कहां पर पहुंच जाएगा, अंतरिक्ष में पहुंच जाएगा। फिर ये वस्तु जो इस वेग से साथी फेंकी गई होगी ना, वह पुनः धरती पर लौट कर वापस नहीं आएगी। अब एक छोटा सा हमारा प्रश्न है, आप लोग बताइएगा, चंद्रमा का जो पलायन वेग है, जो चंद्रमा की एस्केप वेलोसिटी है, वो पृथ्वी की तुलना में कम होगी कि ज्यादा होगी, जल्दी से बताओ, कम होगी कि ज्यादा होगी, यही प्रश्न आपसे मैंने पूछा। पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा की एस्केप वेलोसिटी कम होगी कि ज्यादा होगी, जल्दी से बताओ। इस प्रश्न का जवाब जल्दी दीजिएगा भाई, हमने आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछा है और आसान सा प्रश्न मैंने पूछा है आप लोगों से, एकदम आसान सा प्रश्न मैंने आप लोगों से पूछा है, पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा की एस्केप वेलोसिटी कम होगी कि ज्यादा होगी, बिल्कुल कम होगी। क्या कम ही आप लोग बताएंगे, क्योंकि आप जानते हैं पलायन वेग साथियों ये कहीं ना कहीं निर्भर किस बात पर करता है कि कोई ऑब्जेक्ट है उसको पृथ्वी कितनी तेजी से अपनी ओर खींचती है, क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान ज्यादा है तो ये वस्तुओं पर खिंचाव बल ज्यादा लगा पाएगी,
चंद्रमा का द्रव्यमान कम है तो ये खिंचाव बल कम लगाता होगा, यानी कि चंद्रमा पर साथी आप कह सकते हैं कि पलायन वेग का मान कमजोर होगा। चंद्रमा का पलायन वेग 2.4 के आसपास होता है, यहां आपने 11.2 देखा, चंद्रमा का पलायन वेग 2.4 के आसपास होगा, समझ लीजिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न को बताइएगा। प्रश्न संख्या 18, यदि किसी वस्तु को, ध्यान से देखो, यदि किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तब क्या होगा, इसे बताइए। प्रश्न संख्या 18 का जवाब दीजिएगा भाई, अच्छा सा प्रश्न है। क्या प्रश्न आप लोगों से पूछा, जल्दी बताना। यदि किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तब क्या होगा। हाँ, अमित कुमार, ईसु रश्मि, व्लादिमीर पुतिन, बताओ भाई। प्रतीक द्विवेदी, संजय कुमार, खुशबू कीर्ति, जल्दी से आप लोग बताइए। खुशबू कीर्ति, अंजलि मौर्य, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। यह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी, क्योंकि पलायन वेग नहीं प्राप्त कर पाई है ना, क्योंकि पलायन वेग इसको नहीं मिल पाया है भाई, देख पा रहे हैं, मान ये काफी कमजोर है, या धरती पर वापस आ जाएगी, ध्यान से समझना। अगले प्रश्न को बताइएगा। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण साथियों क्या है, इसको बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब दीजिएगा। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के पीछे का कारण क्या है, कि इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल वेग से क्या होता है, कम होता है। सरल भाषा में समझिएगा साथियों, चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है पृथ्वी की तुलना में काफी कमजोर होता है, तो उसके माध्यम से, उस कमजोर गुरुत्वाकर्षण बल के माध्यम से चंद्रमा पर गैसें बध नहीं पाती, चंद्रमा के वायुमंडल में गैसें बध नहीं पाती, वे पलायन करके अंतरिक्ष में चली जाती हैं, इसी वजह से चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। समझ गए आप लोग। चलिए, पृथ्वी पर वायुमंडल है, इसका मतलब क्या है, इस पर जो साथी गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, प्रबल गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, जिसकी वजह से पृथ्वी अपने एटमॉस्फेयर में गैसों को बांध कर रखती है, समझ गए, जबकि चंद्रमा ऐसा नहीं कर पाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 20 की साथ ही बात करते हैं, और हाँ, इस प्रश्न का जवाब आप लोग क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में हम तक आप लोग पहुंचाइएगा। ये प्रश्न ऐसा है साथियों जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करके बताना है। तो इस सेशन को अब हम यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे, ठीक। चलिए, इस प्रश्न का जवाब देख लेना आप लोग, बॉल पेन का सिद्धांत किस पर आधारित होता है, ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज ए बॉल पेन वर्क, ठीक। इस प्रश्न का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में आप लोगों को जरूर पहुंचाना है, ये आपका होमवर्क हुआ। ध्यान से, पूरी ईमानदारी, लगन के साथ आप लोग लगिएगा, इस कॉन्सेप्ट को सीखना है, तो मैं तीसरी बार बता रहा हूं। अगर आप लोगों को और डिटेल में इसे समझना है तो दोपहर में 12 बजे अपनी पाठशाला के ऐप पर फ्री ऑफ कॉस्ट थ्योरी की क्लास चलती है, वहां पर हम इस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, थ्योरी वाला पार्ट वहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक। अच्छे तरीके से सारी बातों को पढ़िएगा, और हाँ, शाम वाली क्लास में, संकल्प प्री वाली बैच में हम पढ़ा रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें ब्लड आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ा दिया गया, ब्लड में प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को अच्छे तरीके से कवर किया गया, और कल की क्लास में हमने ब्लड ग्रुप आप लोगों को समझा दिया, और रुधिर आधान ये भी कल आप लोगों को समझा दिया गया, और आज की क्लास में हम आपको बताएंगे कि संतानों में रुधिर वर्ग का निर्धारण कैसे होता है, साथ ही साथ आरएच फैक्टर और रुधिर वाहिनियों की चर्चा करी जाएगी। तो शाम को 7 बजे अगर बायोलॉजी पढ़ना है तो जुड़ना मत भूलिएगा। चलिए, अपना और अपने परिवार का विशेष ख्याल रखिएगा, खूब मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, और अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए व्यस्त रहिएगा। हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।